सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया अपने जन सहयोगी कार्यों के लिए हमेशा से चर्चित रहे हैं। एक बार फिर अरविंद भदौरिया ने दरियादिली दिखाते हुए कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की सहायता की और प्रशासनिक अमले से बात कर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था की। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया अपनी अलग कार्यशैली के लिए हमेशा जाने जाते हैं। वे हमेशा ही असहाय और जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा ही एक मामला जब सामने आया तो अरविंद भदौरिया ने भिंड के लहार में कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों की सहायता की। अरविंद भदौरिया ने बताया कि बच्चों की मां की मृत्यु उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण हो गई थी। बाद में उनके पिता लहार आए और अपने बच्चों को भी वहीं ले आए, लेकिन कोरोना के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि वे बच्चे अनाथ हो गए और यह बहुत हृदय विदारक दृश्य था। जब उनको मीडिया के लोगों से इसकी खबर लगी तो उन्होंने प्रशासनिक अमले से बात कर उनके शिक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था कराई। उन्होंने कहा अभी बच्चों को शिशु केंद्र में रखा गया है, अब प्रशासन की ओर से निर्देश दिया गया है कि उनकी देखभाल कर बच्चों की शिक्षा दीक्षा सहित जरूरतों को पूरा करें। भदौरिया ने यह भी बताया कि बच्चों की इस अवस्था को देख और सुनकर उनका मन बेहद अशांत था, लेकिन जब उन्होंने बच्चों की व्यवस्था की तो उनके मन को सुकून मिला और उन्होंने प्रण किया कि बच्चों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा वे अपनी तरफ से मुहैया कराएंगे। एक हमारा भिंड जिले में लहार विधानसभा में एक गाँव है अमहा करके, वहाँ का एक परिवार उत्तर प्रदेश में रहने चले गए थे। तो कोरोना में उत्तर प्रदेश में उन बच्चों की माँ खत्म हुई है, बाद में उनका पिता यहाँ लहार विधानसभा में लेके आए तो उनके पिताजी भी खत्म हुए। बड़े मार्मिक चित्र है, दृश्य है। सबसे बड़ी बेटी 7 साल की है और सबसे छोटा बेटा 7 महीने 8 महीने का है। ऐसे 5 भाई बहन हैं, रहने को छत नहीं है। कई बार शमशान के उसमें भी सो जाते थे या वहाँ छत रहती थी, घर के बाहर ही शमशान घाट है। तो मीडिया के मित्रों के द्वारा, आप सबके द्वारा मुझे मालूम पड़ा तो मैंने तुरंत कलेक्टर से लेकर सभी से बातचीत की, प्रशासन से। उनको शिशु गृह में लेके गए हैं, बाल कल्याण आश्रम में लेके गए हैं, उनकी पूरी व्यवस्थाएं, पूरी चिंताएं सब कर रहे हैं। लेकिन वो बच्ची मीडिया में हमने देखा यूट्यूब में, तो वो कह रही थी मुझे घर की व्यवस्था हो जाए। तो मुझे लगा, मेरे जैसे व्यक्ति को लगा कि नहीं, छोटा मदद जरूर करना चाहिए। तो ये उनका काम नहीं है, मैं उनका गार्जियन हूँ, गार्जियन ख़त्म हो गए होंगे, मेरे जिले का विषय है। तो उनको अच्छा सा एक मकान बना के हम अपने स्वयं की निधि के द्वारा, मेरी व्यक्तिगत द्वारा, हम उनको एक भवन निर्माण की व्यवस्था कर रहे हैं। उनके भोजन खाद्यान्न की व्यवस्था वो भी पूरी कर देंगे। 3 चीज़ें हैं, एक उनका शिक्षा है, दूसरा उनका स्वास्थ्य है, तीसरा उनका अन्न खाद्यान्न भोजन की व्यवस्था हो जाए, चौथा उनकी सुरक्षा है। इन सब की जिम्मेदारी मैं कलेक्टर को भी कहता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से भी चिंता करके उनकी व्यवस्थाएँ खड़ी कर रहे हैं। जो ये व्यवस्था किसी के हाथ में नहीं थी, किसी का मृत्यु होना, लेकिन जिले के होने कारण मैं गार्जियन के रूप में उनकी पूरी चिंता करूंगा। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।